अल्लाह कैसे हैं आप सब भाई हो क्या आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से और जी इस वक्त जी नाइट का टाइम है और नाइट में आपको पता है कि आफ्टर तरावी जो है यहाँ सऊदी अरेबिया में सब कुछ ओपन होता है एट थर्टी पर तरावी जो है वो फिनिश हो जाती है और टू थर्टी एम तक यहाँ पर मार्केट्स वग़ैरह ओपन रहती हैं तो बस हम लोगों ने भी कुछ सामान वग़ैरह लेना था तो हम लोग यहाँ पर शॉपिंग करने ग्रोसरी मार्केट में आ गए हम लोग और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ही ज़्यादा ये हर तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र इस वक्त जा सकती है आप देख सकते हैं कि फुल स्टॉल्स लगे हुए हैं हर चीज़ के रमदान में यहाँ पर स्टॉल्स ही स्टॉल्स से स्टोर्स जो होते हैं वो फुल हो जाते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल था कि सब जगह मतलब इन्होंने सामान रखा हुआ था कहीं पर गुज़रने की जगह भी नहीं थी तो बस मुश्किल से हम लोग भी अपनी हैंड ट्रॉली वगैरह मूव कर रहे थे और बाकी लोग भी और काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है मददान में और यहाँ पर देख सकते हैं कि चिप्स वगैरह हैं तो बस चिप्स वगैरह भी खाने को बच्चों को दिल चाह रहा होता है तो बस यहाँ पर ऑफ़र में जो चीज़ होती है बस हम लोग वही लेना प्रेफ़र करते हैं इसकी मेन रीज़न तो ये है कि सऊदी अरेबिया में भी पाकिस्तान की तरह महंगाई हो गई है तो इस वजह से यहाँ पर भी कुछ सोच समझ कर चीज़ें ली जाती हैं और ये जी स्प्रिंग रोल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग रोल्स की पटियाँ हैं और ये भी मैं लेना चाह रही थी और साथ में मैं आज समोसे की पट्टियाँ भी लेने आई थी क्योंकि स्टार्ट में मैंने अभी तक समोसे वगैरह स्टार्ट नहीं किए सिर्फ पकोड़े फ़्रूट चाट और चना चाट और दही बड़े इस तरह की चीज़ें बना रही हूँ और आजकल मैं बस यही प्रेफ़र करती हूँ कि जितना हो सके रमज़ान में इबादें करें हम लोग और कुरान वग़ैरह जो है उसकी तिलावत करती हूँ नमाज़ें वगैरह जो हैं वो बाकायदगी से पढ़ती हूँ और बच्चों को भी मैं यही कहती हूँ कि आप लोग अपनी फ़ाइव प्रेयर्स का एहतमाम करें फ़ाइव प्रेयर्स जो हैं वो कम्प्लीट होनी चाहिए तो माशाल्लाह से वो कर भी रहे हैं ऐसा और बस ये रमदान की खूबसूरती है देख सकते हैं आप पर रमदान कैम्प भी लगा हुआ है और इसके अंदर सारी चीज़ें इन्होंने सजा कर रखी हुई हैं और रमदान जब चला जाएगा तो हम इसको बहुत मिस करेंगे और ये रामदान की कुछ ऑफर्स वगैरह भी लगी हुई थी यहाँ पर यहाँ पर लगे हुए हैं आप देख सकते हैं कि एयर फ्रायर्स हैं जिसमें आप कुछ भी चीज़ें विदाउट ऑयल ट्राई कर सकते हैं और ये ट्विक्स का स्टॉल था तो ट्विक्स वगैरह भी बच्चों के काफ़ी फेवरेट है और बस यहाँ से एक पैकेट ट्विक्स का ले लिया हम लोगों ने ताकि बच्चे कुछ स्वीट्स वगैरह भी खाते हैं आफ्टर रफ्तारी तो खा लेते हैं ना तो इस वजह से बस ले लिए मैंने और जी हस्बैंड भी जो थे वो भी आउट ऑफ सिटी चले गए थे और हम लोग भी अकेले ही थे तो बस हम लोग फिर ये मॉल्स वगैरह में आ जाते हैं जो भी हमारे रिलेटिव्स वगैरह यहाँ रहते हैं उनके साथ और फिर यहाँ पर कुछ ग्रॉसरी भी कर लेते हैं और बच्चों की आउटिंग वगैरह भी हो जाती है और यहाँ पर जी मेरे बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक्स नज़र आ गए थे और इन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक्स पर हमला शुरू कर दिया था तो इनका दिल चाहे तो ये सब कुछ ही ले जाएँ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं बस इनको कुछ भी मिल जाए लिप्टन ये जो लिप्टन का ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक है ये भी ये बहुत ही प्यते हैं बट मुझे बिल्कुल भी इसका टेस्ट पसंद नहीं और बाकी सब लोग देखें आप शॉपिंग करके जा रहे हैं और हम लोग अभी तक जो है वो शॉपिंग कंप्लीट नहीं कर पाए और आप देख सकते हैं कि बहुत ही लेट हो गया है और यहाँ पांडा जो है वो अभी तक खाली हो गया थोड़ा बहुत और यहाँ पर हम लोग लाइंस में लग गए थे और लाइंस आजकल बहुत लंबी लंबी चल रही हैं पांडा में और ट्रॉलियाँ भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फुल हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ पर पेमेंट करने में तो इसके बाद जी हमारी अफतारी का टाइम हो गया था और अफतारी में मैंने बनाए हैं पकौड़े और पकौड़ों की रेसिपी तो सबको ही मालूम है तो इसलिए मैंने यहाँ पकौड़ों की रेसिपी शेयर करना मुनासिब नहीं समझा और बस यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं इनको बना रही थी ताकि फिर साथ में बाकी चीज़ें भी तैयार करनी थी और इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक तो जल्दी होती है और एक उधर से अफ्तारी की टेंशन होती है तो बस टेंशन में इंसान जितना कुछ बना ले उसी पे सब्र शुकर से रफ्तारी कर लेनी चाहिए और, और साथ ही साथ रफ्तारी के टाइम बच्चों की हेल्प की ज़रूरत भी बहुत पड़ती है मुझे और मैं बच्चों को ज़िम्मे जो है वो थोड़ा बहुत काम लगा देती हूँ जैसे कोई सफरा वगैरह डाल देते हैं और स्पून वगैरह और जो डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह हैं वो लगा देते हैं हम तो यहाँ पर जी हमारी फ़ाइनली लुक आप देख सकते हैं अफतारी की तो बस कुछ ज़्यादा हम लोग नहीं बनाते थोड़े से राइस थे जो कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था शवाया शवाया हाउस है यहाँ सऊदी अरेबिया में फेमस रेस्टोरेंट तो वहाँ के राइस हमें बहुत ही पसंद हैं तो ये मटन राइस हैं तो बस ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो ये भी हमारे पास पहुँच चुका था और साथ में सॉस है इसका टमाटो सॉस और साथ में फ्रूट चाट और पकौड़े और चटनी और एक एक गिलास हमारा मिल्क शेक का हो जाता है साथ में डेढ़ हो जाती है तो अलहमदिल्ला से ये काफ़ी होता है नफ़ होता है हमारा अफ्तारी में मेन्यू और इससे ज़्यादा और ज़्यादा फ्राइड चीज़ें हम लोग नहीं बनाते और ये था मेरा आज का छोटा सा ये मिसा आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में